I'm a traveling spirit. I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere. सुबह के बज रहे हैं 4, हम सब बिल्कुल रेडी हो गए, ये केयूष भी उठ गए, कोई टेंटम नहीं हुआ, विच इज अ ग्रेट थिंग. गुड मॉर्निंग केयूष. सारे प्लांट्स को मॉर्निंग में पानी दे दिया है और नहा धो के हम सब बिल्कुल रेडी हो गए हैं इंडिया जाने के लिए. सुपर एक्साइटेड. ये कैब भी आ गई है और बाहर बिल्कुल है अंधेरा. और यहाँ रख ली है चाय. और मुझे ये वाला जैकेट इतना कोजी कोजी लगता है ना, तो ट्रैवल में ऐसी कोजी कोजी चीज पहनना बहुत अच्छा लगता है. बाय बाय प्लांट्स. बाहर की हालत देखो कितनी फॉगी है. 4 बज रहे हैं अभी. I'm a traveling spirit. I've seen many shows, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can. Welcome back to the channel, everyone. Hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे. Security check done हो गया है और छोटा एयरपोर्ट है ना, तो बहुत आराम से easily काम हो जाता है. और हम कितने बजे आ गए थे, हम 4:30 पहुँच गए थे, है ना? हाँ, 4:30 पहुँच गए थे. और अब शुरू होता है waiting. हाँ, वो तो होता ही है ना कि सुबह अगर आपको 3 बजे उठना है तो कहाँ नींद आती है. मुझे तो बार बार ना, मैं फोन चेक कर रही थी कि अलार्म बजेगा नहीं, टेंशन हो जाती है कि अलार्म बजेगा ना टाइम से. मेरी भी 2:30 बजे आँख खुल गई थी. नहीं, मैं तो सोया ही. कोई बात नहीं, अभी बहुत लंबी फ्लाइट है, सोते रहना. अभी हमारी फ्लाइट है 6:30 है ना. 6:30 है और ओके, बोर्डिंग 6 बजे स्टार्ट हो जाएगी. मम्मी और ननाइमो से वैंकूवर हमारी फ्लाइट है वेस्ट जेट की, और हमने कनेक्टिंग फ्लाइट लिया है तो इसलिए लगेज का कोई टेंशन नहीं है. यहाँ से डाल दिया और सीधे अब इंडिया में ही उतारेंगे. स्टार्टेड, बैठ चुके हैं मैं और ईशा एक साथ और ये दोनों एक साथ. वैंकूवर पहुंच चुके हैं हम. ननाइमो टू वैंकूवर सिर्फ 15 मिनट्स की फ्लाइट थी और अभी जाएंगे, आगे का बोर्डिंग पास लेंगे और फिर थोड़ा बहुत घूमेंगे. 3 आवर्स का हॉल्ट है यहाँ वैंकूवर में, बट एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा है तो टाइम पास तो हो जाएगा. फिर ब्रेकफास्ट करेंगे. But even so, I still feel that I'm alone. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. I'm alone. Fish, fish, fish. Kitne sare fish. And starfish. And bananas. So many, wo dekho, ball pe bhi chipke hue hain. और ये विशिंग बेल है. पॉइंट्स. राइट हैंड. या ड्रॉप इट. एयरपोर्ट काफी सुंदर है वैंकूवर, सारे ब्रांडेड शॉप्स, बैग्स,
ब्रांडेड क्वीन चलो इसलिए मैं जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ ताकि किसी भी उसमें ना जाए शॉप में क्या 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 इसलिए मैं जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ ताकि किसी भी शॉप में ना जाए ये कितने सारे शॉप हैं नहीं नहीं डोंट वरी अब मैं इंडिया में ही शॉपिंग करूंगी जब वापस आऊंगी ना तब वैंकूवर से शॉपिंग अच्छा टाइम नहीं है तब कोई बात नहीं मेरा गला बैठा जा रहा है Stranded, I know how to handle it all on my own. On my own. चलो भाई हमारी एडवेंचर शुरू हो गई है यहाँ से चाइना ईस्टर्न की फ्लाइट है कहाँ के लिए नाम भी तो चाइना के ऐसे डिफरेंट डिफरेंट है ना नानजिंग अच्छा नानजिंग जा रहे हैं वहाँ से वो 7-8 hours की फ्लाइट है ना वो 7-8 hours की बताऊंगी कितने घंटे अभी तो बस चलते जाओ चलना नहीं है उड़ते जाओ नहीं उड़ते जाओ A&W से हमने लिया ब्रेकफास्ट हैश ब्राउन और मैंने बोली चाय थी और मुझे कॉफी मिल गई बेड भी है ट्रैवल करते टाइम खाना किसको किसको पसंद है बताना मुझे फ्लाइट में तो खाना उतना अच्छा मिलता नहीं है इसलिए बाहर जितना खा सकते खा लो मज़ा आता है ट्रैवल टाइम पे तो बाहर का खाओ फुल ऑन जंक फूड गुड गुड गर्म तो नहीं है अब वेट करते हैं है ना ये देखो कितना अच्छा है एयरपोर्ट पे ये सही आराम फरमा रहे हैं अच्छा आप लोग यही रहो मैं जाती हूँ ओके सॉरी सॉरी हाँ बोलो ओके डैडी कहाँ थे ये लास्ट टाइम का बता रहा है कि डैडी नहीं थे केयूष गया था मम्मा और यशा के साथ नॉट डैडी हाँ ये सबसे बेस्ट टाइम होता है बच्चों के लिए टाइम पास करने का प्लेन देखते रहो फ्लाइट में बैठ गए हैं हम शूज कोट सब खोल के बैठ गए कंफर्टेबल होके क्योंकि अभी तो शुरुआत है शुरुआत चारों की सीट एक साथ है बट विंडो सीट नहीं मिली मुझे अच्छा लगता है विंडो सीट पे ना हाँ क्योंकि हम चारों है ना इसलिए विंडो सीट नहीं मिली Stranded, I know how to handle it all on my own. On my own. Yahan pe stick karo. Yahan pe stick karo. बस पूछो मत दोस्तों बुरा हाल है एक तो इतनी लंबी फ्लाइट और चाइना में इतने ज़्यादा सिक्योरिटी चेक एक ही काम बार 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 करवा रहे हैं फिर से नहीं आना इस एयरलाइंस में इट्स लाइक टू मच पहले ननाइमो में बोला कि सारा लगेज इंडिया में कलेक्ट होगा और अब यहाँ के बोलते हैं कि लगेज लो और फिर डालो फिर पूरा सिक्योरिटी चेक फिर से करो बोर्डिंग पास लो टू मच हो गया है सच में सबकी हालत खराब आप लोग भी कभी मत आना ईस्टर्न चाइना से बच्चे इतना परेशान हो गए ना हाँ बेटा अभी चलेंगे
फाइनली हम कोलकाता पहुंच चुके हैं इतनी लंबी जर्नी के बाद। पापा आए हुए बाहर पिक करने के लिए। वेलकम टू इंडिया डैडी। वेलकम। चाइना से अच्छा तो हमारे इंडिया में हुआ है इमिग्रेशन प्रोसेस। इतनी भीड़ थी और क्या निकाला। Must I know how to handle it all on my own. On my own. वैसे तो फ्लाइट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बट वो कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, तो अच्छे से पहुंच गए, बच्चों की तबीयत खराब नहीं हुई, जो कि सबसे अच्छी बात है। घर पहुंच गए हम और अभी रात के बज रहे हैं 2, एक बजे के अराउंड तो घर ही पहुंचे हैं। तो डेफिनेटली आके कौन सोता है, पहले तो नहाया, इतना फ्रेश लग रहा है और बच्चे तो आके ही बिजी हो गए। मम्मी ने पूरे टॉय सजा के रखे थे कि वो शादी बिजी हो गए, और इतने टाइम बाद 25-26 आवर्स के बाद उनको मौका मिला है दौड़ने भागने का। और हमें कल ही जाना है चंडीगढ़, तो कल आफ्टरनून की फ्लाइट है दिल्ली की, फिर दिल्ली से चंडीगढ़। एक्चुअली हमारा जब हमने ये टिकट बुक कराया था तो हमारा प्लान ये था कि हम कोलकाता फर्स्ट 15 डेज रहेंगे और फिर 15 दिसंबर को चंडीगढ़ जाएंगे, बट जब टिकट हो गया फिर शिरडी मुंबई इन सब का जो प्लान बना ना वो 15 दिसंबर के बाद बना। और जो भाई की शादी में मैं लास्ट ईयर आई थी ना इसी टाइम आई थी, तो ये उसका फर्स्ट एनिवर्सरी भी है तो वो 15 दिसंबर को है, तो अनुज आ नहीं पाए थे तो सबको मिल के वो बोल रहा था कि मनाते हैं, तो 15 दिसंबर से यहाँ रहना है, इसलिए हमें जाना पड़ेगा कल ही चंडीगढ़ की, पहले चंडीगढ़ पूरा कर लेते हैं फिर यहाँ आके। बट अब बहुत रिलैक्सिंग लग रहा है, एक बार इंडिया एंटर हो गया ना अब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आधा सामान तो यहीं पे रख देंगे और फिर आधा सामान लेके जाना है, वो पासपोर्ट कैरी करने का टेंशन नहीं है। पूरे टाइम तो यही लगता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक से हैं कि नहीं, और आते ही बस गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी रास्ते पे, तो लगा हाँ अब इंडिया आ गए। कितना अच्छा लगता है ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और आते आते ही मैंने संदेश खा लिया बंगाली मिठाई। तो चलिए ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मम्मी से मौसी से सबसे हाय हेलो होगी, जब हम आएंगे तब हम खूब सारी बातें करेंगे उनसे, आज यहीं तक रखते हैं। और मैं आपसे नेक्स्ट मिलूंगी बिल्कुल चंडीगढ़ में अपने ससुराल में, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे हैप्पी होम का हिस्सा बन जाइए। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, और शायद मैं कॉमेंट का या इंस्टाग्राम के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, आप ज़रूर समझोगे और बिल्कुल गुस्सा नहीं होगे। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज। बाय बाय। I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya, they treat me like a son anywhere I go.